में नाबालिग लड़की से जो रेप और मर्डर केस हुआ था उसमें दरअसल अब नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी सूरज की हत्या कर दी है। ये वारदात बीती रात 12 बजे की है। राजू इस मामले में मुख्य आरोपी है। 4 जुलाई को स्कूल से घर जाते वक्त गुड़िया का अपहरण हुआ था और 6 जुलाई को गुड़िया का शव एक गड्ढे में मिला था। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें रिमांड पर भेजा गया था। बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर मोहित प्रेम शर्मा ने शिमला से हमें भेजी है। साथ ही उन्होंने इस खबर को लेकर पुलिस अफसरों से बात भी की है। ये खबर पूरी तरह पुष्ट और इसकी तकनीकी विश्वसनीयता भी है। तो मुख्य आरोपी राजेंद्र ने दूसरे आरोपी सूरज की जेल में ही हत्या कर दी। और आपको याद दिला दें, ये जो पूरा केस है कोटखाई में, ये जो गैंगरेप और मर्डर केस हुआ था, दरअसल 4 जुलाई को नाबालिग स्कूल से अकेले ही घर जा रही थी और रास्ते में आरोपियों ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसके साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या कर आरोपी फरार हो गए। 6 जुलाई की सुबह नाबालिग का शव एक गड्ढे में मिला। हत्या की जगह से शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई। पुलिस ने गैंगरेप और मर्डर मामले में 6 को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और लोगों ने पुलिस पर गलत लोगों को पकड़ने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने कोटखाई में तोड़फोड़ की और उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को देने की बात कही। तो गैंगरेप और मर्डर के एक आरोपी ने अब दूसरे आरोपी की हत्या कर दी। तो ये इस केस में डेवलपमेंट हुआ है कि एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या कर ली। और इसी मामले पर अपडेट देने के लिए शिमला से जी मीडिया संवाददाता ललित इस वक्त हमारे साथ हैं। ललित, ये बताएं कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सभी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आखिर इनके बीच किस बात को लेकर यह झगड़ा हुआ कि एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या कर दी? बात करें इस मामले में, एक नया मोड़ आया है और जो 6 आरोपी पकड़े गए थे उसमें से एक आरोपी की कल रात को जेल में ही हत्या कर दी गई है। और जिस तरह से हमने अभी जो आईजी है लॉ एंड ऑर्डर वाले जहीर जैदी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये घटना रात 12 बजे की है और जो उसमें मुख्य आरोपी था राजेंद्र, यानी जो राजू नाम से, उसने सूरज सिंह की कल हत्या कर दी और ये घटना तकरीबन 12 बजे की है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस तरह से इस पूरा प्रकरण को देखा जा रहा है, लगातार इस गुड़िया मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है और जिस तरह से कल ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं सरकार पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं और पुलिस की कार्यवाही पर भी एक तरह से फिर से सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये घटना होती है, जेल के अंदर एक आरोपी को मारा जाता है, पुलिस के ऊपर निश्चित तौर से बड़े सवाल है और साफ तौर पर इस पूरे मामले पर अब जुडिशियल इंक्वायरी मार्क कर दी गई है। जी बिल्कुल ललित, पुलिस को लेकर तो पहले ही ये सवाल खड़े हो रहे थे कि गलत आरोपियों को पकड़ लिया गया है इस मामले में और अब जेल के अंदर ही एक आरोपी ने दूसरे की हत्या भी कर दी, तो जेल में भी तो एक बड़ी लापरवाही है और जेल प्रशासन पर भी ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये अभी इन्वेस्टिगेशन है, इस पर होनी है, लेकिन अभी इस पर जिस तरह से अभी आगे परते खुलेगी उससे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये पता चला है कि रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और दोनों एक ही सेल में कहते बंद किए हुए थे, लेकिन उसके बाद रात को दोनों के झगड़ा होने के बाद जो राजेंद्र उर्फ राजू है उसने सूरज की हत्या कर दी। किस तरह से हत्या की है इसका अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, वो अभी धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर से पुलिस के ऊपर जरूर प्रश्न खड़े होते हैं, जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना है, अगर हम बात करें इस पूरी घटना को लेकर, कहीं ना कहीं जहां पर पूरे प्रदेश में जन आक्रोश है, लगातार इसको लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सामाजिक संगठन के लोग हैं, युवा वर्ग है, स्कूल के छात्र। ललित, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ इस मामले पर और जानकारी के साथ। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं कि एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या ये वहां पर कैसे कर दी और ऐसे में जो जेल प्रशासन है उस पर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, इतना ज्यादा इस मामले को लेकर जन आक्रोश और इतनी ज्यादा लापरवाही। मोहित, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता है मोहित से हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो ऐसा मामला जिसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से हो रहा है, लोगों की ओर से आरोप लगाए गए कि गलत लोगों को पकड़ लिया गया, गलत आरोपी अरेस्ट किए गए इस मामले में।